लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुबारक हो, जोड़ी हमेशा सलामत रहे, दूधो ना हो, पूतो फलो, भंडारे भरी रहे, देगे पकती रहे, नियाजे बटती रहे। पाए लागू दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पोते और अपनी बहू को आशीर्वाद दे दिया। अरे आशीर्वाद तो है ही, मगर तू अपने अपने इस दादाजी के लिए भी तो कुछ सोच। क्या तू चाहता है तेरे दादाजी कुमार ही मर जाए? नहीं दादाजी, आप कहें तो आसमान से हूर उतार कर अपनी दादी बना लूं। मुझे हूर वूर बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरी मैना चाहिए, मेरे बचपन का प्यार। मैना? अरे जमुना मौसी की बेटी। हाँ। माँ जिंदाबाद। हाँ? माँ इसका हल निकालेगी। मुन्ना और मंगल की माँ जिंदाबाद। क्या बात है, बड़ी चापलूसी हो रही है माँ की। हाँ मुन्ना ने मेरे लिए दादी ढूंढ ली है। दादी? क्या मतलब? उन्होंने मुझे और शालू को दादा बन के आशीर्वाद दिया है, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, दूधो नहाओ, पूतो पहलो। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ माँ, तेरी और शालू की जोड़ी खूब सजेगी, मुझे पसंद है। माँ मेरी जोड़ी तो पसंद है, मगर मुन्ना के लिए भी उसकी पसंद ला दो ना। मुन्ना? उसने किसे पसंद कर लिया है? वही जमुना मौसी की बेटी मैना। ओ मैना, मैं तो कुछ और ही समझी थी। अरे जमुना सालों से इसका इंतजार कर रही है कि कब मेरा दामाद आएगा और उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी। मैंने कहला भेजा है कि मुन्ना आ गया है, लेकिन जमुना का कहना है उसकी चिंता तभी दूर होगी जब मैं खुद अपने बेटे को लेकर वहां जाऊंगी और अपने हाथों से उन दोनों की सगाई करूंगी। मैं कल ही दोनों की सगाई कर दूंगी। यशोदा बहन, अब सगाई तो हो गई, अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो। मौसी। हाँ? शादी तो मैं उसी वक्त करूंगा जब दीदी विदेश से लौटेंगी। आज तेरे दोनों भाई गांव से वापस आ रहे हैं। पर मेरा तो एक ही भाई है मुन्ना। तेरे उस बेवकूफ भाई मुन्ना ने मंगल को भी साथ मरने के लिए बुलाया है। तो मुन्ना अकेला नहीं है, मंगल भी उसके साथ है। हाँ। और जिस तरह हमने तेरे बाप को मारा था ना, उसी तरह हम उन दोनों को भी मार देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा, लोग समझेंगे कि एक हादसा था। हेलो, आप बोलो लिली। उनकी कार पहुंच गई है। दोनों गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। अब वो उसी गली की तरफ जा रहे हैं। मंगल, यहीं पे नई फैक्ट्री लगाएंगे हम लोग। दोनों दीवार के नीचे बुरी तरह से दब गए हैं। शाबाश लिली, शाबाश। तेरे दोनों भाई दीवार के नीचे दबकर मर गए हैं। तू उन्हें जिंदा देखना चाहती थी ना जिंदा? लाश को देखेगी ना, तो उनकी शक्ल को भी नहीं पहचान पाएगी। रो और रो, तेरे नसीब में ही लिखा है रोना। रो और रो। बेहोश हो गई साली। रघुवीर। हाँ बोलो लिली। मुन्ना दीवार के नीचे से जिंदा निकल आया है। मंगल, अपने आदमी उसे खींच कर अंदर ले गए हैं। कौन हो तुम लोग? ओह नो, अब मंगल भी ईंटों के नीचे से निकल आया। रघुवीर, क्या बकवास कर रही हो तुम? मंगल, बचाओ मुझे! मंगल, बचाओ मुझे! ओह माय गॉड! मंगल!
मुन्ना! अब मंगल मुन्ना की आवाजें सुनकर अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा है। मंगल! बचाओ मुझे! मंगल! मुन्ना, तू ठीक है ना? रघुवीर मंगल 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 साला मंगल मेरा दुश्मन मेरी जन्मपत्री में क्यों लिखा हुआ ये डॉक्टर साहब कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं बस ये चमत्कार ही है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए बेटे मगर बेटी ये एक्सीडेंट हुआ कैसे ये एक्सीडेंट नहीं था अंकल मुझे और मंगल को मारने की साजिश थी साजिश तुम्हें मारने की साजिश कौन कर सकता है ऐसी साजिश तुम चिंता मत करो बेटे मैं उन कमीनों की खाल उधेड़ दूंगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जब तक मेरा यार मंगल मेरे साथ है Hi, Dad. Hey. Oh, no. How are you, Dad? How are you? How was your journey, beta? Oh, it was nice, but a little tiring, though. बहुत अच्छा किया बेटे जो तुम अमेरिका से वापस लौट आए। इधर तुम्हारे पैर इस घर में आए हैं, उधर मेरे दिमाग में एक स्कीम आई है। कैसी स्कीम, Dad? बेटे, मैंने तेरे बड़े भाई को तो 1 करोड़पति का दामाद बना दिया है। अब तू देखता जा। तुझे भी उतने ही बड़े आदमी का दामाद बनाऊंगा। बताओ। Of course, just wait. देखते जाओ, देखते जाओ।